सो एक फोन चलता है दो चीजों की वजह से, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को हम चाह के भी चेंज नहीं कर सकते अपने से, लेकिन सॉफ्टवेयर को हम चेंज कर सकते हैं। जिस तरह से ये एक दो साल पुराना फोन है, लेकिन इस फोन में लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन है विद लेटेस्ट सिक्योरिटी पैक। इवन इस फोन का परफॉर्मेंस मैंने यहाँ से यहाँ पहुंचा दिया, बैटरी बैकअप भी काफी इंप्रूव हो चुकी है। आई नो बहुत सारे लोगों को ये बिलीव नहीं हो रहा, उनको ये जादू टोना लग रहा होगा। सो वेलकम टू कस्टम रोम। जिन लोगों ने कस्टम रोम का नाम सुना है, वेल एंड गुड है। तूने सुना है? देखो इसने भी सुना है, कोई बात नहीं। नहीं सुना है तो सारी चीजें पता चल जाएंगी आज आपको। प्लस कस्टम रोम इंस्टॉल करने का तरीका क्या होता है एंड क्या इसे 2023 में आपको इंस्टॉल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सभी सवालों का जवाब वीडियो के आखिर तक मिल जाएगा। सो अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, आपके फोन का तापमान सुधरने वाला है, क्योंकि कंपनी वालों के सॉफ्टवेयर से फोन काफी हीट होते हैं। बात तो सही है। बस अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार आए कंटेंट अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। A few inches later. Now first thing first, custom room क्या होता है? बहुत सिंपल शब्दों में बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाऊंगा। जैसे एक नौजवान है, ये एक फोन को यूज कर रहा है, इस फोन में एक सॉफ्टवेयर है, चाहे वो शाओमी का मेम UI हो या यहाँ पर वन प्लस का कलर ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑक्सीजन ऑपरेटिंग सिस्टम या iQOO Vivo का फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम। सो कंपनी वाले जो पहले से फोन में सॉफ्टवेयर भेजते हैं उसे हम स्टॉक रोम कहते हैं, और अगर हम कंपनी का स्टॉक रोम हटा के कोई दूसरा रोम डाल दे उसे हम कस्टम रोम कहते हैं। सिंपल राइट? लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है, आइए अब बात करते हैं आगे। इसे इंस्टॉल करने के बहुत सारे तरीके, सभी के बारे में लेटर ऑन हम आपको बताएंगे, बट उससे पहले ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि जो चीज को आप इंस्टॉल करने वाले हैं वो आपके फोन को कितना हार्म कर सकती है या कितना ज्यादा वरदान दे सकती है। स्टार्टिंग में आपको नहीं डरा के थोड़ी अच्छी बातें कर लेते कि कस्टम रोम में क्या फीचर्स आपको मिल जाते हैं। जैसे मेरे पास ये Xiaomi का Mi 11X है, इसमें कायदे से Xiaomi का मेम UI या MIUI होना चाहिए, बट हमने MIUI हटा के पिक्सल एक्सटेंडेड रोम इंस्टॉल कर दिए। ऐसे बहुत सारी रोम्स बहुत सारे अलग अलग डिवाइस के लिए मिल जाएंगी। आप पिक्सल एक्सटेंडेड इसलिए डाली क्योंकि इसमें आपको गूगल पिक्सल के स्टॉक वाला फील मिलेगा, प्लस परफॉर्मेंस भी उच्च श्रेणी की मिलेगी। अगर आप पूरे अपने फोन का सॉफ्टवेयर चेंज कर रहे हैं तो टोटल आपका एक्सपीरियंस भी चेंज होने वाला है। जैसे Xiaomi का MIUI में कंट्रोल सेंटर कुछ इस टाइप से मिलता है, लेकिन इसमें जब हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया ये पूरा स्टॉक एंड्रॉइड में इस टाइप का बन गया। हमने कोई भी लॉन्चर इंस्टॉल नहीं किया, हमने पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर जड़ में जाके जो है इंजेक्शन डाला है, वो जड़ से पूरा सॉफ्टवेयर हमने चेंज किया है। सो आपका टोटल एक्सपीरियंस यहां पर अलग हो जाता है। अब आप देख सकते हैं ये फोन को अगर मैं सामने से दिखाऊंगा तो कोई शायद विश्वास ही नहीं करेगा कि ये Xiaomi का MIUI है, उनको लगेगा कि ये गूगल का कोई पिक्सल फोन है। और इस चीज को और ज्यादा विश्वास दिलाने के लिए मैं उनको गूगल फोटोज की अनलिमिटेड बैकअप का ऑप्शन दिखा दूंगा कि हमें यहाँ पर अनलिमिटेड ऑप्शन मिल रहा है। ये कोई एडिटेड इमेज नहीं है, एक्चुअल में आप कस्टम रोम डाल के अनलिमिटेड फोटोज अपलोड कर सकते हैं गूगल फोटोज में। तो मजा आ रहा है, एक्साइटिंग लग रहा है, इस मजे को और बढ़ाते हैं। कस्टम रोम इंस्टॉल करने के बाद आपको जो है फोन की कंपनी के जो ब्लोटवेयर्स आते हैं उनसे मुक्ति मिल जाती है, टोटल नया एक्सपीरियंस मिल जाता है। एंड ये चीज कैसे फिट करती है इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं। एक कार, उसमें 10 लोग हैं, जैसे तैसे फिट किया है। दूसरी कार, इसमें 4 लोग हैं। सो वो 10 लोग वाली कार ज्यादा तेजी से ज्यादा अच्छे से हैंडल कर पाएगी या 4 लोगों वाली कार? ऑफ कोर्स 4 लोगों वाली कार। तो यहां पर जो लोग थे वो थे एप्स। So, कम एप्स रहेंगे तो आपका फोन ज्यादा मक्खन के जैसे चलेगा, कम रैम वो यूटिलाइज करेगा, ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस देगा। एंड ऐसा ही होता है कस्टम रोम में, बहुत सारी चीजें जो कंपनी वाले देते हैं वो हट जाती है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस काफी तगड़ा हो जाता है, गेमिंग अलग लेवल की मिल जाती है। एंड गेमिंग की अलग अलग रोम हो जाएगी जिसमें अलग अलग कस्टम कर्नल्स आपको मिल जाएंगे, जो आपके यहाँ पर परफॉर्मेंस ही नहीं आपका बैटरी बैकअप भी यहाँ पर काफी बूस्ट हो जाएगा, काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। और कल मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा था कि कस्टम रोम से रिलेटेड जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, कुछ यहाँ पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के हम जवाब दे देते हैं ताकि सबके डाउट्स वो क्लियर हो जाएं। बट उससे पहले सबसे बड़ा डाउट मेरा है आप सभी के लिए कि अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब क्यों नहीं किए? सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ऐसे इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट आपको आगे भी मिलता रहेगा। अच्छा ठीक है, सबसे पहला ख्याल आता है कस्टम रोम को इंस्टॉल करने से पहले कि हमारा फोन वारंटी में है, वारंटी वॉइड हो जाएगी? तो इसका सिंपल सा जवाब है जी हाँ, वारंटी वॉइड हो जाएगी, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी कंपनी वाले कस्टम रोम को अलाउ नहीं करते इंस्टॉल करने के। बट जैसे आप स्टॉक रोम को दोबारा से इंस्टॉल कर देंगे आपकी वारंटी भी वापस आ जाएगी। सो इससे दो आंसर तो आपको मिल गए कि कस्टम रोम इंस्टॉल करने के बाद हम दोबारा से स्टॉक रोम को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये बहुत मेन क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग पूछते हैं हमारे फोन के लिए कस्टम रोम डेवलपमेंट क्यों नहीं है, क्यों कस्टम रोम नहीं है
हमारे फोन के लिए, तो इन लिस्ट में नाम आता है ओप्पो, वीवो, टेक्नो, रियलमी के कुछ डिवाइस, अब वन प्लस के भी कुछ डिवाइस हैं जिनको सपोर्ट नहीं मिलता है। अब इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके फोन के लिए कस्टम रोम का सपोर्ट नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप जो फोन यूज कर रहे हैं, जिस भी कंपनी ने उस फोन को बनाया है, उसने उसका कर्नल सोर्स रिलीज नहीं किया है। कस्टम रोम बनता है कर्नल सोर्स की वजह से, बस इतना समझ लीजिए, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। वो कोड रिलीज नहीं हुआ है जिसकी वजह से कस्टम रोम नहीं बन रही है आपके फोन के लिए। सो ज्यादातर शाओमी के डिवाइस में कस्टम रोम अवेलेबल रहती है क्योंकि शाओमी वाले कर्नल सोर्स को रिलीज कर देते हैं। एक और सवाल ये आता है कि अगर हमारे फोन के लिए कस्टम रोम नहीं है तो हम अपने फोन में कस्टम रोम को इंस्टॉल कैसे करें, प्लीज बता दीजिए। हमें करना है, हमें नहीं पसंद है स्टॉक रोम, तो इसका सिंपल सा जवाब यही है कि मैं आपको एडवाइस करूंगा कि कोई भी ऐसा फालतू वीडियो देख के YouTube में अपने फोन में कुछ भी करने से पहले इतना जरूर सोच लेना, आपकी एक गलती शायद आपके फोन को डेड बना सकती है, जिसको Android की भाषा में हार्ड ब्रेक या सॉफ्ट ब्रेक बोलते हैं। उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाइए, आप उस वीडियो को आई बटन जाके जरूर देखें। इन शॉर्ट, डेवलपमेंट नहीं है तो कुछ भी आपको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है कस्टम रोम से रिलेटेड। क्या कस्टम रोम को विदाउट पीसी इंस्टॉल कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, बट बूट लोडर अनलॉक करने के लिए आपको पीसी की जरूरत पड़ेगी। ये बूट लोडर क्या होता है, इंस्टॉलेशन वाले स्टेप में आपको हम बता देंगे। क्या कस्टम रोम इंस्टॉल करने के बाद बैंकिंग यूपीआई एप्स अच्छे से चलेंगे? तो इसका जवाब है 50-50। किसी किसी कस्टम रोम में बहुत अच्छे से चलते हैं, सेफ्टी नेट भी पास हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसे कि ये मेरा फोन है, इसमें यहां पर मैं गूगल पे वगैरह यूज कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बट कुछ रोम ऐसी होती है जिसमें सेफ्टी नेट फेल हो जाता है, जिसकी वजह से हम बैंकिंग ऐप नहीं चला सकते हैं। सो पहले ही आप जिस भी कस्टम रोम को इंस्टॉल कर रहे हैं उसके बारे में पढ़ लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा कि सेफ्टीनेस पास है या फेल। क्या कस्टम रोम में हमें रेगुलर अपडेट मिलेंगे स्टॉक एंड्रॉइड जैसे? ऑल्दो स्टॉक एंड्रॉइड में हमें कभी रेगुलर अपडेट नहीं मिलते, कभी एक महीने मिला, कभी पांच महीने बाद मिलता है, बट कस्टम रोम के केस में ऐसा नहीं है। अगर आपने कोई ऑफिशियल कस्टम रोम इंस्टॉल किया है तो आपको मंथली अपडेट देखने को मिलेंगे एंड बग्स को भी तुरंत फिक्स किया जाता है। विच ब्रिंग्स अस टू अनदर क्वेश्चन कि कस्टम रोम में बग्स होते हैं कि नहीं? जी हाँ, यहाँ पर कस्टम रोम में भी बग होते हैं जिस तरह से स्टॉक रोम में होते हैं। बग्स और सॉफ्टवेयर टॉम एंड जेरी की जैसे चलते जाएगा, इनका युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। सो बग्स को फिक्स भी किया जाता है एंड किसी किसी कस्टम रोम में ज्यादा मेजर बग मिल जाते हैं एंड कुछ कस्टम रोम ऐसी होती है जिसमें आपको ना के बराबर बग्स मिलते हैं। पिक्सेल एक्सटेंडेड इसलिए इंस्टॉल नहीं किया है मैंने क्योंकि डेवलपमेंट अच्छी है, जितनी अच्छी डेवलपमेंट होगी उतना अच्छा आपको रोम मिलेगी। क्या स्ट्रीमिंग ऐप जैसे Amazon, Netflix, Prime वगैरह ये सब चलता है? जी हाँ, कस्टम रोम में ये सारी चीजें अच्छे से चलती है। इवन अगर स्टॉक रोम में आपको YouTube HDR 60 FPS नहीं चल रही है तो आपको कस्टम रोम में वो सारी चीजें भी वर्किंग मिलेंगी। तो ये कुछ प्रिविलेजेस हैं काफी तगड़े वाले। क्या कस्टम रोम में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है या अपने स्लो चार्जिंग को आप फास्ट चार्जिंग बना सकते हैं? तो ऐसे बहुत सारे कस्टम रोम तो नहीं, रूट करने के बाद आपको मॉड्यूल्स मिल जाते हैं जो आपकी स्लो चार्जिंग को थोड़ा फास्ट कर देते हैं। सो टेक्निकली ये थोड़ी हद तक चीजें पॉसिबल भी हैं। क्या कस्टम रोम इंस्टॉल करने से 5G नेटवर्क आएगा? जैसे ये फोन 5G सपोर्टेड है लेकिन इसके स्टॉक रोम में 5G का अभी अपडेट नहीं मिला है, तो यहाँ पर हार्डवेयर का चेंज होना नहीं पॉसिबल है कस्टम रोम में। Until and unless कंपनी वाले एक अपडेट देके, कोई सा भी अपडेट हो, चाहे बीटा हो, स्टेबल हो, उस स्टॉक रोम को वो अपडेट देके उसमें 5G इनेबल कर दें। क्योंकि एट द एंड क्या है, फोन के अंदर एक मॉडम है 5G का, उस मॉडम को चलाने के लिए अगर प्रॉपर ड्राइवर्स कंपनी वाले नहीं देंगे तब तक कस्टम रोम के डेवलपर्स भी कुछ नहीं कर पाएंगे, उनको भी वो ड्राइवर्स इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे कस्टम रोम में। सो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि कस्टम रोम इंस्टॉल करके आप अपनी स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 60 से 160 हर्ट्ज कर सकते हैं तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, ना ही आप अपने 4G फोन को 5G फोन बना पाएंगे। एक और काफी ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि MediaTek डिवाइस के लिए कस्टम रोम इतनी ज्यादा क्यों नहीं मिलती जितनी Snapdragon डिवाइस के लिए? इसका जवाब भी यही है कि MediaTek वाले यहाँ पर सोर्स कोड प्रोवाइड नहीं करते अपने प्रोसेसर्स का, जिसकी वजह से डेवलपर्स यहाँ पर आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाते कस्टम रोम बनाने के लिए। बट स्टिल कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जब MediaTek वालों ने एक सोर्स कोड रिलीज कर दिया, जैसे Redmi Note 8 Pro, काफी अच्छा डेवलपमेंट उसका आज भी चल रहा है। बट स्टॉक रोम जैसी सिक्योरिटी डेफिनेटली कस्टम रोम में नहीं मिलेगी क्योंकि कुछ कुछ हार्डवेयर रिलेटेड फीचर्स जैसे Samsung का नॉक सिक्योरिटी, Motorola का ThinkShield, अगर आप कस्टम रोम डालते हैं तो इनका सपोर्ट खत्म हो जाता है, जिससे आपका फोन लेस सिक्योर हो जाएगा। कस्टम रोम में सेफ कैसे रहें? वही कस्टम रोम को इंस्टॉल कीजिए जिनके डेवलपर जाने पहचाने हैं या वो रोम ऑफिशियल कस्टम रोम हो जिसका डेवलपमेंट चल रहा हो। ये कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन थे जिनका मैंने जवाब दे दिया। आई होप सो सारे डाउट्स क्लियर होंगे। नहीं क्यों है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपको बाकी के सारे जवाब्स डेफिनेटली मिल जाएंगे। कस्टम रोम को इंस्टॉल करने के काफी तरीके, लेकिन इसमें सबसे पहला प्रोसेस
एक्सेस जो सभी फोन के लिए कॉमन है कि आपको अपने फोन का बूट लोडर अनलॉक करना पड़ता है। एंड बूट लोडर अनलॉक करने की बहुत सारी कंपनी नहीं करती है। जो नहीं करती उनमें ओप्पो वीवो आईक्यू का नाम है। Xiaomi Poco के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद आप बूट लोडर को अनलॉक कर पाते हैं। तो बूट लोडर अनलॉक करना एक तरीके से ताले को चाबी से खोलना है। जब तक ताला नहीं खुलेगा आप उस गेट में एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो जिनकी एंट्री हुई वही कस्टम रोम को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो तू भी करेगा क्या कस्टम रोम इंस्टॉल? वीडियो लाइक करेगा, शेयर करेगा? वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। अगली चीज है अपने फोन में एक रिकवरी इंस्टॉल करना, या आजकल बहुत सारे तरीके आ गए हैं, आप साइड लोड करके भी अपने फोन में कस्टम रोम को इंस्टॉल कर सकते हैं। पहले के जमाने में जो 2016 17 18 में कस्टम रोम डालते हुए आ रहे हैं उनको पता होगा, एक टर्म से रिलेटेड होंगे, TWRP रिकवरी, रेड वुल्फ रिकवरी। इन रिकवरी से पहले कस्टम रोम को इंस्टॉल करते थे, अब जो है साइड लोड भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे मेथड आ चुके हैं आज के टाइम पे जो बहुत ज्यादा सेफ बना देते हैं। पहले उन मेथड में क्या होता है कि वो आपके फोन को चेक करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम दूसरी फाइल डाउनलोड कर लेते हैं तो मिसमैच होने की वजह से ब्रेक हो सकता है। तो वो पहला स्टेप में वेरीफाई करेगा आपका फोन वही कनेक्टेड है जिसका सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड किया है, उसके बाद ही वो प्रोसीड करेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो है सिक्योरिटी को लेके भी कस्टम रोम में बन चुकी हैं। अगर आपके फोन के लिए डेवलपमेंट है आप अपनी पसंद की कस्टम रोम को इंस्टॉल कर सकते हैं इस तरीके से। कस्टम रोम इंस्टॉल करने के लेटेस्ट मेथड जानने हैं तो आप यहाँ पर राजेश सर को टेक्नोबज नेट पे, वो उनका चैनल है, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, या यहाँ पर आप टेक ऑफिस भाई को भी फॉलो कर सकते हैं। ये आज के टाइम पे आपको कस्टम रोम का बेस्ट कंटेंट यहाँ पर दे रहे हैं। बस कस्टम रोम के रिगार्डिंग और भी बहुत सारे मिथ्स होते हैं, उसके रिगार्डिंग मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप उन वीडियोस को हमारे चैनल पे जाके जरूर देखिए, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। नाउ दुनिया भर की बातें हो गई, अब आ जाता है मेन मुद्दा कि कस्टम रोम को 2023 में इंस्टॉल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा डेफिनेटली इसे इंस्टॉल करना चाहिए, लेकिन आप जो है अभी इसे लेटेस्ट फोन जो आप यूज कर रहे हैं उस पर ना कीजिए। इंस्टॉल करने से पहले आपको प्रॉपर नॉलेज डेफिनेटली होनी चाहिए, एंड नॉलेज आप डेफिनेटली गेन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल में बहुत सारे टेक एंथुसियास्ट बंदे मिल जाएंगे जो कस्टम रोम को काफी टाइम से यूज कर रहे हैं। सो उस चैनल को डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिए। शायद आपके घर में एक Xiaomi का फोन हो जिसके लिए कस्टम रोम हो, उसमें ये सारी चीजें ट्राई करके देखिए, आपको वो एक्सपीरियंस पसंद आएगा तब आप इसे अपने मेन डिवाइस में ट्राई कर सकते हैं। इवन अगर आपको अपने पुराने फोन को एक नई जान देनी है, कंपनी वालों ने अपडेट देना बंद कर दिया है, तो कस्टम रोम डाल के आप वो जान अपने फोन में दोबारा जगा सकते हैं, लेटेस्ट एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर का मजा ले सकते हैं। बट जितना क्रेज यहाँ पर 2016 से लेके 2019 तक था कस्टम रोम को लेके, अब वो काफी हद तक कम हो चुका है। एंड ये चीज जायज भी है क्योंकि हर कोई टेक्निकली इतना नहीं घुसना चाहता है फोन में। जो लोग घुसना चाहते हैं वो आज भी कस्टम रोम को यूज कर रहे हैं, उसमें से हम भी आए। सो गाइस आई होप सो वीडियो हेल्पफुल रही होगी। मैंने कोशिश करी कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको सारी चीजें समझा सकूं, आपको शायद समझ आई होंगी। अगर आई हैं तो लाइक वाले बटन को दबाइए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। कुछ भी डाउट हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे तो आप जुड़ ही जाइए, या नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बस मिलते हैं ऐसे किसी न्यू इंटरेस्टिंग दसफाड़ी वीडियो साथ। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट।